हमारे कश्मीर से आए दोस्त ने कविता पढ़ी तो पीछे से लड़के बोले भारत माता की जय। आजकल ये बहुत चलता है, भारत माता की जय बोलो। बोलेंगे साहब, जरूर बोलेंगे। खैर, वंदे मातरम नहीं बोलते। मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, ये सब नारों के सहारे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत का आकलन बंद करिए। और आप किन से कहते हो वंदे मातरम बोलिए? मैं हिंदू हूं, जिस दिन पृथ्वी छोड़ूंगा उस दिन जला दिया जाऊंगा और एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा, शायद गंगा या किसी नदी में विलीन कर दिया जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ पैदा होने वाला, मेरे साथ खेलने वाला मेरा दोस्त रऊफ, या मेरे साथ रहने वाले मेरे दोनों दोस्त फरहान और आफ्ताब, ये जब पृथ्वी छोड़ेंगे तो भारत माता इन्हें अपने हाथों में लेकर हश्र के दिन का इंतजार करेगी। किससे तय करा रहे हैं आप कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं? और हमसे नारे मत लगवाइए, किसी से नारे मत लगवाइए। अंदर से आवाज आएगी तुम्हारा प्राण के अंदर गूंजेगा। मैं बोलूं आफ्ताब से कि तुम वंदे मातरम बोलो? एक मुकम्मल ईमान लाने वाला, एक ठीक मुसलमान जब पांच वक्त नमाज के लिए अपना माथा इस हिंदुस्तान की जमीन पर रखता है तो हर बार भारत माता की जय बोलता है। तब पढ़